इस गुमनाम खत में एक लड़की ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा में गुरु राम रहीम के हाथों अपने यौन शोषण का वाकया बयान किया। श्रीमान, मैं पंजाब की रहने वाली हूं और 5 साल से डेरा सच्चा सौदा सिरसा में साधु लड़की के रूप में काम कर रही हूं। मेरे साथ यहां सैकड़ों लड़कियां भी डेरे में 16 से 18 घंटे सेवा करती हैं। हमारा यहां शारीरिक शोषण किया जा रहा है। डेरे के महाराज गुरमीत सिंह द्वारा शोषण किया जा रहा है। मैं बीए पास लड़की हूं। मेरे परिवार के सदस्य महाराज के श्रद्धालु हैं, जिनकी प्रेरणा से मैं डेरे में साधु बनी थी। साधु बनने के 2-3 साल बाद एक दिन महाराज गुरमीत राम रहीम की खास साधु गुरजोत ने रात 10 बजे मुझे बताया कि मुझे महाराज जी ने गुफा में बुलाया है। मैं पहली बार वहां जा रही थी, इसलिए मैं बहुत खुश थी। मुझे लग रहा था कि आज खुद परमात्मा ने मुझे बुलाया है। गुफा के ऊपर जाकर मैंने देखा कि महाराज बेड पर बैठे हैं। तो अब ये तन मन हमारा है। महाराज मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, मैंने विरोध किया तो उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं है कि हम ही खुदा हैं। जब मैंने पूछा कि क्या खुदा ये काम करता है तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण भगवान थे, उनके यहाँ 360 गोपियाँ थी जिनसे वो हर रोज प्रेम लीला करते थे, फिर भी लोग उन्हें परमात्मा मानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम चाहें तो तुम्हारी जान लेकर तुम्हारा दाह संस्कार कर सकते हैं। तुम्हारे घर वाले हर प्रकार से हम पर विश्वास करते हैं और हमारे गुलाम हैं, वो मुझसे बाहर नहीं जा सकते, ये तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है। महाराज ने हमें कहा हमारी सरकार में बहुत चलती है, हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के केंद्रीय मंत्री हमारे चरण छूते हैं, राजनेता हमसे शरण लेते हैं, पैसे लेते हैं और हमारे खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। हम तुम्हारे परिवार से नौकरी लगे सदस्यों को बर्खास्त करवा देंगे, सभी सदस्यों को मरवा देंगे और कोई सबूत भी नहीं छोड़ेंगे। ये तुझे अच्छी तरह से पता है कि हमने गुंडे से डेरे के मैनेजर को मरवा दिया था और आज तक इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, ना ही कोई सबूत है, क्योंकि पैसे के बल पर हम राजनेताओं, पुलिस और न्याय को खरीद लेते हैं। इसके बाद महाराज ने मेरे साथ बलात्कार किया और पिछले 3 सालों से वो लगातार मेरे साथ बलात्कार करते आ रहे हैं। आज मुझे पता चला कि मेरे से पहले जो लड़कियां यहां रहती थी उनके साथ भी ये बलात्कार कर चुके हैं। डेरे में मौजूद 35-40 साधु लड़कियां 35-40 की उम्र से अधिक की हैं, जिनकी शादी की उम्र निकल चुकी है, जिन्होंने परिस्थितियों से समझौता कर लिया है। इनमें से ज्यादातर बीए एमए बीएड पास हैं। घर वालों के कट्टर अंधविश्वास होने के कारण नरक का जीवन जी रही हैं। हमें सफेद कपड़े पहनना, सिर पर चुन्नी रखना, किसी आदमी की तरफ आंख उठाकर न देखना, आदमी से 5 से 10 फुट की दूरी पर रहना, ऐसा महाराज का आदेश है। हम दिखाने के लिए देवी है मगर हमारी हालत वैश्याओं जैसी है। मैंने एक बार अपने परिवार वालों को बताया कि यहाँ डेरे में सब कुछ ठीक नहीं है तो मेरे घर वाले गुस्से में कहने लगे कि अगर भगवान के पास रहते हुए भी ठीक नहीं है तो ठीक कहाँ है, तेरे मन में बुरे विचार आने लग गए हैं। पिछले दिनों मैं एक लड़की साधु ने जब महाराज की काली करतूतों का सभी लड़कियों के सामने खुलासा किया तो कई साधु लड़कियों ने मिलकर उसे पीटा। इतना ही नहीं, उसके पिता को भी सेवादार से हटाकर घर पर बिठा दिया गया। कुरुक्षेत्र जिले की एक साधु लड़की जो घर आ गई है, उसने घर वालों को सब कुछ सच बता दिया था। उसका बड़ा भाई सेवादार था जो कि सेवा छोड़कर डेरे से नाता तोड़ चुका है। संगरूर जिले की एक लड़की जिसने घर आकर पड़ोसियों को डेरे की काली करतूत के बारे में बताया तो डेरे के सेवादार गुंडे बंदूकें लेकर लड़की के घर आ गए और उसे जान से मारने की धमकी दी। इस तरह सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, हनुमानगढ़ और मेरठ की कई लड़कियों की कहानी भी है जो डेरे की गुंडागर्दी के आगे कुछ नहीं बोल रही हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मैं इस चिट्ठी में अपना नाम और पता लिखूंगी तो मुझे मार दिया जाएगा। मैं मरना नहीं चाहती, जनता के सामने सच्चाई लाना चाहती हूँ। अगर आप प्रेस के माध्यम से या फिर किसी भी एजेंसी से जांच कराएंगे तो डेरे में मौजूद 40-45 लड़कियां भी पूरा विश्वास दिलाने के उपरांत सच्चाई बताने को तैयार हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारा डॉक्टरी मुआयना किया जाए ताकि हमारे अभिभावकों और आपको सच्चाई का पता चल सके। अगर हमारे साथ गलत हुआ पाया गया तो इस बात की जाँच कराई जाए किसने हमारे साथ गलत काम किया है, तब खुलासा होगा कि महाराज गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने ही हमारी जिंदगी बर्बाद की है।